ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, मास m1 और m2 है और उनके बीच का सेपरेशन r है, तो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं माइनस जी m1 m2 बाय r। ये आ जाती है अगर आप मान लेते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या है, जीरो। यहां पे हमें फाइंड करना है कि मान लो कोई पार्टिकल है जो कि अर्थ की सरफेस से किसी हाइट h पे रखा हुआ है, ये अर्थ की रेडियस मान लो r और मास मान लेते हैं कैपिटल m, तो इस समय इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो एक चीज तो हमें पता है सिंपली कि आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है किसी भी जगह पे पोटेंशियल और इनटू मास ऑफ पार्टिकल, समझ आई बात। तो अगर मैं बोलता कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सरफेस पे, अगर मैं ऐसे यू नॉट बोल देता हूं, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है सरफेस का पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखा होता तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाती माइनस जी एम बाय आर, ये हो गया पोटेंशियल सरफेस पे और इनटू स्मॉल एम, ठीक है ना। सिमिलरली अगर बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच क्या होगी, तो उसे आप क्या बोल सकते हो, वो जाएगा हाइट एच पे पोटेंशियल यानी माइनस जी एम बाय आर प्लस एच और इनटू मास स्मॉल एम, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट एच पर। अब कोई बोले कि हम पार्टिकल को सरफेस से इस हाइट एच पे लेके गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा यू को मैं सिंपली लिख दूंगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियली वो अगर सरफेस पे था और फाइनली वो हाइट एच पे था, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है ना, माइनस माइनस जी एम एम बाय आर, ये मिल गया क्या हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। अब क्या होता है, जनरली हम रिजल्ट यूज करते हैं स्मॉल जी के टर्म्स में, ठीक है। स्मॉल जी बेसिकली क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि जी बराबर क्या आ जाता है, जी नॉट अपॉन वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अगर हम एल्टीट्यूड के साथ देख रहे थे तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, और अगर आप नियर सरफेस की बात करो यानी कि अगर एच बहुत ही छोटा है आर से, तो फिर हम फॉर्मूला के यूज कर लेते थे, जी आ जाता था आपका जी नॉट वन माइनस एच बाय आर, वन माइनस टू एच बाय आर, वन माइनस टू एच बाय आर। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। अब मान लो कि आपको जनरली जैसे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमें जरूरत पड़ रही थी, हम क्या कर रहे थे, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लेते थे। तो अगर आपने किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप नए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी तो बता पाना पॉसिबल नहीं है अगर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ना हो। हम सिर्फ क्या बता सकते हैं, आप सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यानी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हुए किसी हाइट एच पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या हो जाएगा, आप सिंपली मान लोगे कि आप पार्टिकल को यहां से उठा के किसी हाइट एच पे लेके गए हो। ऐसा करने में जो वर्क डन हुआ होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, वही तो किसमें स्टोर हो गया होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। हमें यह भी पता है कि किसी भी डिस्टेंस एक्स पे अगर हम बोलें तो इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा किसी भी पार्टिकल पर, या मैं कह दूं कि यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी जी एम बाय एक्स स्क्वायर। हमें पता है स्फीयर के लिए बाहर वाले पॉइंट्स का फॉर्मूला हो जाता है जी एम बाय एक्स स्क्वायर। तो मान लो कि एक्स से आपने उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, कितना डी एक्स, और इसमें मैं कैलकुलेट कर लूंगा छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगा आपका फोर्स जो कि क्या हो जाएगा, फील्ड इंटू मास, यानी कि जी एम बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गई फील्ड इंटू मास एम, ये हो गया फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। अच्छा, ये वर्क डन पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो फोर्स भी नीचे की तरफ होगा और आप डिस्प्लेस कहां कर रहे हो, ऊपर की तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, तो वर्क डन कैसा आएगा आपका, नेगेटिव।
अगर मैं इसी वर्क डन को क्या कर दू, इंटीग्रेट कर दू जीरो से लेके एच तक के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली हम इंटीग्रेट करते हैं एक्स की वैल्यू कहां से, आर से लेके एच, आर प्लस एच तक के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, वर्क डन टोटल मिल जाएगा। यहां से वर्क डन हमें कितना मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहां से लेकर, आर से लेकर, क्योंकि मैं सरफेस से ले जाना शुरू कर रहा हूं, आर प्लस एच तक। समझ आई बात। एक चीज हमें और पता है, वर्क डन यही इक्वल हो जाता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो ये हमें मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ जी एम एम इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक, आर से लेके आर प्लस एच तक। सॉल्व कर देते हैं, यहां से आपको मिलेगा डेल्टा यू, ये इक्वल आ गया जी एम एम वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया माइनस वन बाय एक्स, यानी माइनस वन बाय आर प्लस एच प्लस वन बाय आर, अगर मैं लिमिट्स पुट कर देता हूं तो। यहां से मिलेगा जी एम एम, नीचे आ जाएगा आर इंटू आर प्लस एच अपॉन एच, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली आप किसी पॉइंट एच पर जा रहे हो और इनिशियली आप सरफेस पर थे, तो मैं कह सकता हूं यू एट एच माइनस यू एट सरफेस इक्वल हो जाना चाहिए क्या, जी एम एम एच बाय, नीचे से मैं आर कॉमन ले रहा हूं ब्रैकेट में से, तो नीचे बन गया आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एच बाय आर। अब ये हमें पता है कि जी एम बाय आर स्क्वायर जो है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, तो जी जो सरफेस पर होगा वो क्या होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, तो इसे स्मॉल जी के टर्म्स में लिख देते हैं। और हम क्या अज्यूम कर लेंगे, रेफरेंस पॉइंट मैंने मान लिया सरफेस को, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस को क्या मान लिया मैंने, जीरो। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस को जीरो मान लेता हूं और जी एम बाय आर स्क्वायर को मैं स्मॉल जी लिख देता हूं, तो यहां से हमें एच हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा यू एच इज इक्वल टू सिंपली आपको मिल गया एम जी एच बाय वन प्लस एच बाय आर। तो किसी भी हाइट h पर पार्टिकल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए आप सिंपली ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। समझ आई बात। अगर कोई बोल दे कि h इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी कि आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो सरफेस के पास ही किया है, तो h बाय r क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, और पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी मिल जाएगी, एम जी एच, जो कि हम यूज भी कर रहे हैं किसमें, मैकेनिक्स में हमने यूज किया था काफी ज्यादा। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोल देते हैं, एमजीएच होती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इफ एच इज लेस इन कंपैरिजन टू रेडियस, ठीक है। ये तब आता है जब आप सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हो, जीरो मानते हो। अगर आप सरफेस पर जीरो नहीं मानते तो फिर एमजीएच क्या हो जाएगा, बेसिकली चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ट्राई करो पहला क्वेश्चन सभी लोग। बोला गया एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट द स्पीड एट विच इट हिट्स द अर्थ सरफेस, एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो ये सिंपल काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हम रिजल्ट की तरह याद भी रखते हैं, आप सिंपली क्या कर दोगे, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हुए मैं कह सकता हूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच, ये इक्वल हो जानी चाहिए किसके, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने इक्वल किया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहां से हमें वेलोसिटी मिल जाती है कितनी, रूट टू जी एच। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट एन एल्टीट्यूड आर अबव द अर्थ सर्फेस, इफ इट इज रिलीज्ड फाइंड द स्पीड एट विच द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस, बताओ जरा। यहां पे भी क्या यूज कर लोगे, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, ये इक्वल हो जाना चाहिए के फाइनल प्लस पी फाइनल के। तो सरफेस पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं, जीरो, तो इस हाइट एच पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है प्लस एम जी और आर अपॉन 1 प्लस एच बाय आर, क्योंकि इस बार जो h है वो इन कंपैरिजन टू रेडियस बहुत नेग्लिजिबल नहीं है, इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एम जी एच अपॉन वन प्लस एच बाय आर, यानी कि 1 प्लस आर बाय आर, ये हो जाना चाहिए क्या, हाफ एम वी स्क्वायर।
और वी आपको कितना मिल जाएगा, अंडर रूट जी आर। समझ आया? और क्वेश्चन है, ट्राई कर लो। बोला गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m इज रिलीज फ्रॉम एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r अबव द अर्थ सर्फेस, फाइंड द स्पीड एट विच इट स्ट्राइक्स द सर्फेस ऑफ अर्थ व्हेन रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसका मास अर्थ के मास से डबल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अर्थ रेस्ट पे नहीं रह सकती क्योंकि अर्थ और उस पार्टिकल के सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम कंजर्वेशन भी करना होगा। बताओ थर्ड का आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। जस्ट जब पार्टिकल स्ट्राइक करने वाला होगा कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, अर्थ भी कुछ डिस्प्लेस हुई होगी, पार्टिकल भी कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा। मैं कह सकता हूं जस्ट जब स्ट्राइक करने वाले हैं तो उनके बीच का सेपरेशन रह जाएगा आर। मान लेते हैं अर्थ की स्पीड हो जाती है v1 और इस पार्टिकल की स्पीड हो जाती है v2। इसका मास 2m हमें बताया गया और अर्थ का मास m है। सबसे पहली बात तो f एक्सटर्नल सिस्टम के ऊपर क्या है, जीरो है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। इनिशियली मोमेंटम जीरो था तो इसे इक्वल कर सकता हूं मैं mv1 माइनस 2mv2 के। यहां से हमें v1 की वैल्यू मिल जाएगी 2v2, तो एक रिलेशन तो ये मिल गई। दूसरा आप क्या करोगे, एनर्जी कंजर्व करोगे क्योंकि अब अर्थ भी मूव कर रही है, तो बेटर होगा हम टू पार्टिकल सिस्टम की तरह से ट्रीट करें। तो के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इक्वल हो जाना चाहिए के फाइनल प्लस पी फाइनल। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम 2m और इनिशियल सेपरेशन सेंटर्स के बीच में कितना है 3r। फाइनली हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में हो जाएगी कितनी, माइनस जी एम 2m बाय आर। यहां से हमें मिल जाएगा 4gm स्क्वायर बाय 3r, ये इक्वल हो जाना चाहिए क्या, हाफ m, हमें अर्थ की स्पीड तो चाहिए नहीं पार्टिकल की चाहिए, तो v1 को मैं क्या लिख दूंगा 2v2, तो 2v2 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 का स्क्वायर, ये आपको कितना मिल जाएगा 3m v2 का स्क्वायर, ये आपको मिल गया कितना 4gm स्क्वायर बाय 3r, ठीक है। सॉल्व कर लो सिंपली, v की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 2/3 अंडर रूट जी आर। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड किसके ऊपर, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज हमें पढ़नी होती है जिसे कह देते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो वैसे तो केपलर के लॉ के हिसाब से जो हम आगे पढ़ेंगे, प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और जो सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं वो भी अर्थ के अबाउट किस में घूम रही है, सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही है। तो आपको वो स्पीड बतानी है अर्थ की हाइट पे जाके, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके, जो आपको किसी सैटेलाइट को दे देनी चाहिए ताकि वो उस पर्टिकुलर हाइट पर ही अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती रहे एक सर्कुलर पाथ के अंदर। तो जो सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी चाहिए होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आ रही बात? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्पीड एट विच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन और सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल स्पीड। तो ये फंक्शन होता है किसका, उनके मास का और रिवॉल्विंग सेपरेशन के बीच का, ठीक है ना, उनके बीच में सेपरेशन कितना है डिपेंड करेगा प्लैनेट का मास कितना है उसके ऊपर भी, ठीक है ना। अब यहां पे हम एक केस ले लेते हैं किसका, एक सैटेलाइट का जो कि किसी हाइट एच पे घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि किसी एल्टीट्यूड एच पर यह सैटेलाइट एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही है अर्थ के अबाउट और इसकी स्पीड है कुछ वी नॉट। तो क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो ऑब्वियसली ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है और आपको पता है कि नेट फोर्स इसके ऊपर रेडियल डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है जो कि इस तरफ लग रहा होगा उसे इक्वेट कर दूं किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा आपको जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वल किसके हो जाना चाहिए, ये इक्वल हो जाना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर प्लस एच। यहां से सिंपली आपको वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, वी नॉट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी एम बाय
आर प्लस एच, या सिंपली अगर मुझे पता हो कि एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो मैं वी नॉट को क्या लिख सकता हूं, मैं वी नॉट को लिख सकता हूं अंडर रूट जी एम बाय एक्स। समझ आई बात? तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए, कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के सेंटर से या किसी भी प्लेनेट के सेंटर से जिसका मास एम है किसी डिस्टेंस एक्स पर घूम रही है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या क्या समझ आ रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी एक तो उस प्लेनेट जिसके अराउंड सैटेलाइट घूम रही है उसके मास पे डिपेंड करती है, और दूसरी उसके सेपरेशन फ्रॉम सेंटर से भी, सेंटर से भी डिपेंड करती है, सेंटर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास। अब अगर नियर सरफेस सैटेलाइट्स की बात की जाए, मान लो कि आपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि अर्थ की सरफेस के पास है, यानी कि मैं कह सकता हूं एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो आप क्या बता सकते हो? तो सिंपली ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला तो हमें पता लग ही चुका है, वो है जी एम बाय आर प्लस एच। अब एच क्योंकि नेग्लिजिबल है तो आप इसे क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट जी आर, जहां स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला कौन सा है जो आपको याद रखना है, वो ये वाला है अंडर रूट जी एम बाय एक्स। एक्स यहां पे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, और अगर एक्स नेग्लिज एच जो है वो नेग्लिजिबल है तो सिंपली हम क्या पुट कर देते हैं, रेडियस पुट कर देते हैं। समझ आ रहा है? तो इसी को क्या बोल दिया जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर किसी सैटेलाइट के पास इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो वो सर्कुलर मोशन में अर्थ के चारों तरफ घूम सकती है। समझ आया? अगर यहीं पर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर दी जाए, तो टाइम पीरियड सिंपली हमें पता है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 पाई बाय ओमेगा, या मैं इसे क्या कह सकता हूं 2 पाई आर, या एक्स अगर उसकी डिस्टेंस है सेंटर से, तो हो जाएगा 2 पाई एक्स बाय वी नॉट, जो भी उसकी ऑर्बिटल स्पीड है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं सैटेलाइट के रेवोल्यूशन, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करोगे ये आ जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब बाय जी एम, ठीक है। तो कोई प्रोपोर्शनलिटी जैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेपरेशन अगर डबल कर दें तो बताओ टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता कि एक सैटेलाइट की सेपरेशन सेंटर से डबल कर दी गई है तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है, तो आप देख सकते हो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स की पावर 3 बाय 2 के, ठीक है ना। तो सिंपली आप क्या कर देते हैं, 2 की पावर 3 बाय 2 टाइम्स हो जाता है आपका टाइम पीरियड। समझ आई बात? तो ये हो गई ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड। एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पे पढ़नी होती है वो होती है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब यहां जो कहानी चलने वाली है वो एग्जैक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसी चलने वाली है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। वो ये होता है कि बोर मॉडल के अंदर बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही घूम सकता है अराउंड द न्यूक्लियस, हमें ये पता है। तो सेम सिचुएशन यहां पे होती है, अर्थ के चारों तरफ अगर आपने सैटेलाइट लॉन्च की हैं तो उनके पास अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी है तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही घूम सकते हैं, यानी एक फिक्स डिस्टेंस पर घूमने के लिए उस सैटेलाइट के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि कोई स्मॉल एम मास की सैटेलाइट है, अर्थ का मास कैपिटल एम और रेडियस को आर मान लेते हैं, जो अर्थ से एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पे घूम रही है। तो अब अगर इसकी टोटल एनर्जी लिखने की बात की जाए तो टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होगी टोटल एनर्जी इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की। समझ आई बात? तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो वो तो होगी माइनस जी एम एम बाय एक्स, और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो वो होगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, जहां पे वी नॉट क्या है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये मिल जाती है हमें क्या, टोटल एनर्जी। देखें अगर तो ये कितना आ रहा है, ये आ गया माइनस जी एम एम बाय एक्स प्लस हाफ एम वी नॉट, हमें पता है अंडर रूट जी एम बाय एक्स होता है, यानी कि जी एम बाय एक्स, ये मिली आपको क्या, टोटल एनर्जी। देखोगे तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, माइनस जी एम एम बाय 2x। समझ आई बात? यहां पे हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करते हो, वो ये है कि अगर हम देखें टोटल एनर्जी
तो वो काइनेटिक एनर्जी के क्या है, इक्वल है, बस नेगेटिव है उसका, और ये पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, हाफ है। तो हम कह देते हैं कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो अगर आपको किसी सैटेलाइट की कोई काइनेटिक एनर्जी दे दे और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी पूछे तो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हो। समझ आई बात? ये रिलेशन हमें क्या करनी है, याद रखनी है। अब होता जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेम चीज यहां पे होती है, जैसे वहां पे आप ये पढ़ते हो कि मान लो न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई n बराबर 1 ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, ठीक है ना, और बाद में एक और ऑर्बिट है जिसे हम बोल देते हैं n बराबर 2। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्टेट के अंदर भेजना चाहते हो या दूसरे ऑर्बिट के अंदर भेजना चाहते हो। सेम चीज यहां पर होती है, अगर एक सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर रेडियस में घूम रही थी और आपने उसे कुछ एनर्जी दे दी तो वो उस टोटल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट होगा वहां जाके घूमने लग जाएगी। समझ आई बात? यानी कि अगर हमारे पास एक सैटेलाइट है जो आर एल्टीट्यूड पे घूम रही थी, आप अगर उसे कुछ ज्यादा एनर्जी दे देते हो तो वो ज्यादा बड़ी ऑर्बिट के अंदर घूमने लग जाएगी। समझ आ रही बात? ये रिलेशन हम निकाल पाए क्या मानते हुए कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। हमने मान लिया है कि जब सैटेलाइट और अर्थ के बीच में सेपरेशन इन्फिनाइट हो जाएगा तो उनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, यानी टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तो मान लो कोई भी सैटेलाइट एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रही है और कुछ करके आपने उसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि उसकी टोटल एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव, जीरो हो गई, तो वो सैटेलाइट फ्लाई करके कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और हमें पता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ कहां तक रहता है, इन्फिनिटी तक रहता है, तो बेसिकली वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर देगा। समझ आई बात? अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या वो है, ये नेगेटिव साइन। टोटल एनर्जी में आपको एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, ये नेगेटिव साइन शो करता है बाउंड सिस्टम। जब भी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी आपको नेगेटिव मिलेगी, इसका मतलब ये है कि वो सिस्टम बाउंड है, वो एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में हम कह देते हैं कि सिस्टम क्या हो गया है, अनबाउंड हो गया है। सिस्टम अनबाउंड होने का मतलब क्या है, सिस्टम अनबाउंड होने का मतलब है कि अब उनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं बचा होगा और वो एक दूसरे के म्यूचुअल अट्रैक्शन से दूर जा चुके हैं। समझ आ रही बात? तो ये पूरी कहानी एग्जैक्टली वैसी है जैसी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की। मेन पॉइंट जो मैंने बताया वो आपको याद रखना है, क्या क्या। पहली चीज तो अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन जीरो हो जाती है तो सिस्टम अनबाउंड हो जाएगा, यानी वो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से भी आगे चला जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूम रही है और आपने उसकी एनर्जी में चेंज किया तो वो नई एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट होगी उसमें जाके घूमने लग जाएगी। समझ आई बात? यहां पे पॉइंट मैंने लिख भी दिया है, इंपॉर्टेंट भी है। फॉर अ बाउंड सिस्टम टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, वाइल फॉर एन अनबाउंड सिस्टम टोटल एनर्जी इज जीरो और ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है। कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन में एम, कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो पहला क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एट एन एल्टीट्यूड आर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड इट्स टोटल एनर्जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो, ठीक है। तो देख लो, स्पीड तो सिंपली क्या आ जाएगी, अंडर रूट, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, जी एम बाय एक्स, क्योंकि ये नियर सर्फेस तो है नहीं, डिस्टेंस जो है वो आर है। सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे वो आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो जाएगी 2r, ठीक है ना, या इसी को क्या कह सकते हैं हम, अंडर रूट जी बाय 2r, ठीक है ना। समझ आए? जहां जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखता, जो कि लिखना सबसे आसान होती है क्योंकि हमें सेपरेशन पता है, वो आती माइनस जी एम एम बाय 2r। तो टोटल एनर्जी सिंपली मैं क्या लिख दूंगा, हमें पता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, यानी टोटल एनर्जी आ जाती है माइनस जी एम एम बाय 4r।
समझ आया? तो हम डायरेक्टली रिलेशन निकाल लेंगे, आपको काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ आर, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इट सो दैट इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3 आर। तो अभी वो सैटेलाइट आर हाइट पर मूव कर रही है और फाइनली हम उसे ऐसी ऑर्बिट में भेजना है जिसकी रेडियस क्या हो जाए, 3 आर हो जाए। तो आपको कितनी एडिशनल एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, बताओ जरा। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, केस वन के लिए टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा। सिंपली क्या हो जाएगा, आप यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालो तो आती माइनस जी एम एम बाय 2 आर, और केस टू के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते तो आ जाती कितनी, माइनस जी एम एम बाय सेंटर से सेपरेशन क्या है 3 आर। तो टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो, वो हो जाता है सिंपली क्या, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। तो ये मिल जाएगी माइनस जी एम एम बाय 4 आर, और यहां टोटल एनर्जी 2 आपको मिल जाती कितनी, माइनस जी एम एम बाय 6 आर। जो डिफरेंस है टोटल एनर्जी का वही तो है आपकी एनर्जी सप्लाइड। तो एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वो आ गया माइनस जी एम एम बाय 6 आर माइनस माइनस जी एम एम बाय 4 आर। समझ आया? तो ये हमें मिल जाएगा शायद जी एम एम बाय 12 आर। तो इतनी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ी, प्रोवाइड करनी पड़ी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, सैटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 64 किलोमीटर, कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी इट मस्ट बी गिवन सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। आपको कितनी मिनिमम एनर्जी देनी चाहिए ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के बाहर चली जाए। तो क्योंकि 64 किलोमीटर क्या है, काफी कम है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसे सरफेस पे घूमती हुई सैटेलाइट ही मान सकते हैं, यानी नियर टू सरफेस। तो आप क्या करोगे, बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी माइनस जी एम एम बाय इनके बीच का सेपरेशन, जो कि हम मान लेंगे कितना, आर, क्योंकि एच जो है वो आर के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है। तो आप टोटल एनर्जी भी बता सकते हो, टोटल एनर्जी हमें कितनी मिल जाएगी, इसका हाफ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 माइनस जी एम एम बाय 2 आर। अब अगर आपको किसी को एस्केप कराना है ग्रेविटेशनल पुल को, तो हमें पता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा। तो सैटेलाइट को कहां पहुंच जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो टू रीच इन्फिनिटी आपको पता है कि टोटल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। जब पार्टिकल की टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी तभी वो कहां पहुंचेगा, इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी अभी जो एनर्जी है जी एम एम बाय 2 आर प्लस जो एडिशनल एनर्जी हमने दी होगी वो मिलके क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। यहां से ई आपको मिल जाएगा कितना, जी एम एम बाय 2 आर। समझ आया? अगर हम इतनी एनर्जी दे देते हैं सैटेलाइट को तो वो कहां पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। तो इसमें बस याद क्या रखना था कि कोई भी पार्टिकल कब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, जब उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। सिंपल क्वेश्चन है काफी। बोला गया है द ऑर्बिटल स्पीड क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द ऑर्बिटल स्पीड एट अ डिस्टेंस 3 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ हाइपोथेटिकल प्लैनेट फाइंड द मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड निकाल लेंगे नियर टू सरफेस, वो जाती है कितनी, अंडर रूट जी एम बाय आर, ये आपकी ऑर्बिटल स्पीड। किसी हाइपोथेटिकल प्लैनेट पे जो स्पीड होगी एट अ डिस्टेंस 3 आर फ्रॉम सेंटर, तो वो हो जाएगी अंडर रूट जी, उसका मास स्मॉल एम मान लेता हूं मैं, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हमें पता है कितनी है, 3 आर। ये दोनों को क्या बोला गया है, इक्वल बोला गया है, यानी वी नॉट इज इक्वल टू वी। यहां से सिंपली आपको दिख जाएगा कि स्मॉल एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 एम, यानी उसका मास 3 टाइम्स होगा, किससे, अर्थ से। फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है, हाइपोथेटिकल प्लैनेट विद डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ अर्थ हैज अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड इट क्लोज टू इट्स सरफेस।
If the radius of the planet is half that of Earth and V is the orbital speed close to the surface of Earth, find the speed of satellite revolving around the planet. क्या होगी सैटेलाइट की स्पीड जब वो रिवॉल्व करेगी अराउंड द प्लैनेट? चलो देख लेते हैं. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लैनेट का मास भी निकालना पड़ेगा. तो आपको बताया गया है कि डेंसिटी ऑफ प्लैनेट ये इक्वल है किसके, डेंसिटी ऑफ अर्थ के. प्लांट हो गया प्लैनेट, ठीक है ना. डेंसिटी क्या हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम. तो प्लैनेट के लिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम बाय वॉल्यूम हो जाएगी उसकी 4/3 पाई. उसकी रेडियस बताई गई है हाफ ऑफ अर्थ का क्यूब, ये इक्वल हो जाना चाहिए अर्थ का मास एम बाय 4/3 पाई r³. यहां से आपको मिल जाएगा कि m की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, वो हो जाएगी m बाय 8, यानी कि प्लैनेट का मास 1/8 है किससे, अर्थ के मास से. अब एक बार हमें प्लैनेट का मास मिल गया तो हम ऑर्बिटल स्पीड बता सकते हैं क्लोज टू सरफेस. उसका फॉर्मूला आया था हमारे पास अंडर रूट जी एम बाय आर, जहां आर होता है उस प्लैनेट की रेडियस, एम होता है उस प्लैनेट का मास. तो उसे अगर मैं पुट कर दूंगा यहां पे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी. मास हमें पता चल चुका है कितना है, एम बाय 8, और रेडियस हमें पता थी कितनी है, हाफ. यानी आपको सिंपली कितना मिल जाएगा, बाय 2. ये हो गया अंडर रूट जी एम बाय आर अपॉन 2, और यही थी अर्थ की सरफेस पे सैटेलाइट की स्पीड, यानी कि वी नॉट बाय 2. तो आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, वी नॉट बाय 2 मिलना चाहिए. अब अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. क्योंकि हम सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट टाइप की सैटेलाइट जो होती है वो यहां पे हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो क्या मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तो कोई ऐसी सैटेलाइट जिसे आप एक इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिलीज करते हो ताकि किसी भी पॉइंट से अर्थ पर अगर हम उसे देखें तो वो हमेशा कैसे दिखे, रेस्ट पर दिखे. यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो है जो अर्थ के किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है टाइम के साथ, तो उसे आप क्या कह देते हो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह देते हो. अब अर्थ के लिए क्या होता है कि अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आप जब सैटेलाइट्स को रिलीज करते हो और इस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ रिलीज करते हो कि वह हमेशा रेस्ट पर दिखें, तो उन्हें हम कह देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. इनका पर्पस क्या हो जाता है, इनका पर्पस हो जाता है बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन के लिए काम आती हैं ये, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट वगैरह के लिए. इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो है कि टाइम पीरियड क्या होना चाहिए. ऑब्वियस है, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है और उसका ओमेगा भी हम याद रखते हैं π/12 रेडियन पर आवर. तो अगर आपने उसके इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इस तरह से लॉन्च किया है कि वो हमेशा रेस्ट पे रहती है विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम जानते हैं कि उसका भी ओमेगा अर्थ के अबाउट क्या आ जाना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए. यानी ओमेगा ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये इक्वल आता है ओमेगा ऑफ अर्थ के, और वैल्यू आपको पता ही है π/12 रेडियन पर आवर. समझ आई बात. तो अर्थ के लिए जब इसे सॉल्व किया जाता है तो लगभग जो हाइट आती है वो लगभग आपको मिलती है 35,800 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अर्थ की सरफेस से जब आप 35,800 किलोमीटर्स ऊपर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो तो हमें पता है कि इतनी हाइट पे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में स्पीड चाहिए होगी सैटेलाइट के पास, तभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकती है. तो इस हाइट पे जब आप अर्थ के लिए किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो तो वो क्या करती है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पर रहती है. तो ऑब्वियसली इतनी हाइट पर काफी ज्यादा स्पीड होगी, तो उतनी स्पीड देने के लिए आप जो रॉकेट्स यूज करते हो वो भी कैसे होने चाहिए, काफी पावरफुल होने चाहिए, ठीक है ना. तो वही यूज की अगर मैं बात करूं तो वाइडली यूज किए जाते हैं किसके लिए, टेलीकम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी हम यूज करते हैं. ये कम्युनिकेशन सिस्टम नामक चैप्टर के अंदर आता है, जहां पढ़ते हो कि कैसे रेडियो वेव्स वहां तक नहीं जा सकती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, और किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे एटमॉस्फेयर को पार करके इन सैटेलाइट्स तक पहुंच सकती हैं और रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे पास आ सकती हैं. तो वहां सब पे यूज आता है किसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इनका टाइम पीरियड याद रखना और इनकी एंगुलर स्पीड को याद रखना.
तो नाम से भी पता लग रहा है, पोलर सैटेलाइट्स किन्हें बोल दिया जाता है? पहली बात तो ये कि दीज आर लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स, ये वो सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ की सरफेस के पास ही क्या कर रही होती हैं, घूम रही होती हैं। और ये जिस प्लेन के अंदर घूम रही होती हैं, वो प्लेन अर्थ के पोल्स को क्या कर रहा होता है, पास कर रहा होता है। यानी ये अगर आप अर्थ मान लो, तो जो इसका नॉर्थ और साउथ पोल है, उसी प्लेन के अंदर हम क्या करते हैं, इस ऑर्बिट को रिवॉल्व कराते हैं अर्थ के चारों तरफ। समझ आ रही बात? और कैसे? लो एल्टीट्यूड पे। अब लो का मतलब ये नहीं है कि 10-50 मीटर, लो भी मतलब हो जाता है 500 से 800 किलोमीटर, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जियो स्टेशनरी के लिए तो वो 36,000 किलोमीटर तक पहुंच जा रहा है लगभग। तो 500 से 800 पे जो आप रिलीज करोगे वो लो एल्टीट्यूड ही हो गया। तो उन्हें आप क्या कह देते हो, पोलर सैटेलाइट्स कह देते हो। याद क्या रखना है, इनका टाइम पीरियड याद रखना है, लगभग आ जाता है 100 मिनट्स के करीब। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि एक दिन में ये अर्थ के कई बार चक्कर लगाने वाली है। समझ आ रहा है? ये किस लिए यूज की जाती है? तो ये मीटरोलॉजी के लिए, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए, इन सब के लिए यूज की जाती है। बेसिकली आप ये पता करना चाह रहे होते हो कि किसी भी जगह पर टोपोग्राफी कैसी है, अर्थ कैसी दिख रही है कहीं से भी। तो उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होगी, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये अर्थ की सरफेस है और यहां से सैटेलाइट जा रही है अराउंड अर्थ, तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिस एरिया को ये क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उतनी की इमेज हमें दे सकते हैं। इसीलिए इनका पूरी अर्थ को कवर करना एक दिन में जरूरी है। तो ये कई बार क्या करते हैं, अर्थ को कवर करते रहते हैं। टाइम पीरियड काफी कम है, आप देख रहे हो 100 मिनट्स। समझ आया? तो एनसीईआरटी में दिया होता है, इसलिए बस मैंने लिख दिया है पोलर सैटेलाइट्स। अब एक और फिनोमेना है जिसे क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। तो वेटलेसनेस का मतलब क्या हो गया? वेटलेसनेस का मतलब हो गया कि अगर आप अर्थ की सरफेस पर हो और आपको अर्थ की ग्रेविटी महसूस नहीं हो रही होगी, तो आप कह देते हो कि हम वेटलेस सिचुएशन में हैं। जैसे कि मान लो कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाओ और वहां से जाके कूद जाओ, तो जब आप नीचे गिर रहे होगे उस समय पर आपका कोई वेट नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं। और उसका रीजन भी क्या आ जाता है, उसका रीजन आ जाता है कि हमारे ऊपर नीचे लग रहा है mg, जो कि अर्थ का अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हम एक्सलरेट हो रहे हैं नीचे। तो अगर कोई हमें देखेगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसे लगेगा कि हमारा एक्सीलरेशन नीचे कितना है, जी है। समझ आ रही बात? तो आप नीचे की तरफ क्या हो रहे हो, पुल हो रहे हो। लेकिन अगर आप इसी के फ्रेम में बैठ जाओ, इसी आदमी के फ्रेम में बैठ जाओ, ऐसा मान लो कि मैं इस आदमी के नीचे क्या कर दूं, एक वेइंग मशीन रख दूं, जो खुद भी कितने से गिर रही हो, जी से गिर रही हो, तो इस वेइंग मशीन के रिस्पेक्ट में इस आदमी के ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी लग जाएगा ऊपर की तरफ, कितना, mg। और नेट फोर्स जो वेइंग मशीन इस आदमी के ऊपर लगा रही होगी, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन को नाम क्या दिया जाता है, तो आपको याद होगा इसे हम बोलते थे फ्री फॉल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से गिर रही होती है, तो उसे आप कह देते हो कि ऑब्जेक्ट किस में है, फ्री फॉल में। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सेंटर की तरफ जी एक्सेलरेशन लेते हुए मूव कर रही होगी, तो फिर वो कैसा महसूस करेगी, वेटलेस महसूस करेगी। समझ आई बात? तो सिमिलर चीज होती है सैटेलाइट्स के साथ। ये हमारी अर्थ है और सैटेलाइट्स उसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। तो किसी भी एक सैटेलाइट को अगर आप देखो, क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एक अर्थ का अट्रैक्शन वाला सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, जो कि उसे क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। ये भी मैं कह सकता हूं कि इस सैटेलाइट के ऊपर रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तभी तो इसका इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर घूम पाना पॉसिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि सैटेलाइट के अंदर अगर जाके कोई आदमी बैठ जाएगा, तो वो कैसा महसूस करेगा, वेटलेस महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, बैलेंस्ड। या आप ये कह सकते हो कि जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे अर्थ सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर की तरफ, तो वो इक्वल आ जाएगा किसके, जी के। तो एक सैटेलाइट का चारों तरफ घूमना अर्थ की सरफेस के, वो इक्वल हो जाता है किसके, फ्री फॉल के। ठीक है ना? तो आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है किसी प्लेनेट के चारों तरफ, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कैसा महसूस करने वाले हो, वेटलेस महसूस करने वाले। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी बोल दो, एस्केप स्पीड बोल दो, या दूसरा नाम इसका क्रिटिकल वेलोसिटी भी होता है। तो क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ कि मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जिसे मान लो आपने के अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, या किसी भी प्लेनेट की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो कितनी मिनिमम स्पीड से हम इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, ताकि
ताकि ये कभी भी लौटकर इस सरफेस के ऊपर वापस ना गिरे। ऐसा कब पॉसिबल होगा? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल या किसी भी मास वाली ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है। तो अगर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो उस फील्ड के अंदर है, तो वो कुछ ना कुछ फोर्स तो हमेशा एक्सपीरियंस करेगी। ये फोर्स लगना कब बंद हो जाएगा? जब वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी या बियॉन्ड इंफिनिटी चली जाए। समझ आ रही बात? तो एस्केप स्पीड का मतलब वही हो गया कि किसी भी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को कितनी मिनिमम स्पीड दी जाए ताकि वो हर तरह के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़कर इंफिनिटी पर पहुंच जाए। समझ आ रही बात? तो अगर हम अर्थ की बात करें तो ये अर्थ की रेडियस आर, उसका मास एम, मान लेते उसकी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है स्मॉल एम मास की, तो इसे कितनी मिनिमम स्पीड दी जाए ताकि ये इंफिनिटी पहुंच जाए। तो इंफिनिटी पहुंचाने के लिए आपको पता है कि इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो मान लो कि हमने इसे स्पीड दी है कुछ ve, एस्केप वेलोसिटी की स्पीड, तो मैं यहां पे इसकी टोटल एनर्जी लिख सकता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर, और हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एम ve स्क्वायर। समझ आई बात? यहां से जब आप ve निकालोगे तो वो आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसे हमें किसके इक्वल करना है? जीरो के इक्वल, क्योंकि आपको इन्फिनिटी पहुंचाना है। सॉल्व करोगे तो ve की वैल्यू आ जाएगी 2gm by r, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 2gr। ये हो जाती है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ या फिर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट विद मास m एंड रेडियस r। बात समझ आई? ये आप देख सकते हो कि एस्केप वेलोसिटी जो हमें मिली है वो रूट 2 टाइम्स है किसकी? ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो जितनी मिनिमम वेलोसिटी एक सैटेलाइट के पास होती है जो कि नियर सरफेस मूव कर रही है, उसी के रूट 2 टाइम स्पीड देने पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाती है? इंफिनिटी पर पहुंच जाती है। तो ये सब रटने से अच्छा होगा आप क्या याद रखो, सिंपली हमें बस ये याद रखना है कि जब भी हम पार्टिकल की टोटल एनर्जी को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, उस समय पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा? इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा, या मैं कह सकता हूं कि वो एस्केप हो जाएगा। ठीक है ना? तो अर्थ के लिए कैलकुलेट करते हैं तो नियरली ये निकल के आ जाती है कुछ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो अर्थ का पुल अगर हमें क्या करना है? एस्केप करना है, तो इतनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए किसी भी पार्टिकल के पास। समझ आए? तो ये यहां पे डिराइव कर दिया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिमाग में सिर्फ एक चीज रखनी है कि टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब हो गया कि पार्टिकल क्या कर गया है? एस्केप कर गया। पहला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डबल्ड कीपिंग द डेंसिटी कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स एस्केप स्पीड। तो अगर हम अर्थ की रेडियस को क्या कर दें? डबल कर दें डेंसिटी कॉन्स्टेंट रखते हुए, तो उसकी सरफेस से जो एस्केप स्पीड होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देख लेते हैं। तो इनिशियल हमें पता है, अगर हम मान लें कि इनिशियली मास था m और रेडियस थी r, फाइनली मैं मान लेता हूं कि मास हो जाता है स्मॉल m और रेडियस हो जाती है स्मॉल r। तो आपको बोला गया है कि स्मॉल r तो इक्वल है किसके? 2r के। यानी रेडियस को तो आपने क्या किया है? डबल किया है। लेकिन डेंसिटी को क्या रखा है? कॉन्स्टेंट रखा है। तो डेंसिटी अगर हम कॉन्स्टेंट कर दें, यानी डेंसिटी इनिशियल ये डेंसिटी फाइनल के, तो हमें नया मास मिल जाएगा, यानी कि m बाय 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, ये इक्वल हो जाना चाहिए m बाय 4 बाय 3 पाई स्मॉल r का क्यूब। ठीक है ना? और स्मॉल r की वैल्यू आपको पता है कितनी है? पाई 2r का क्यूब। ठीक है ना? तो यहां से आपको स्मॉल m की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 8m। यानी कि अर्थ का मास कितना हो चुका है? 8 टाइम्स हो चुका है। अब आपको पता है इनिशियल एस्केप स्पीड थी अंडर रूट 2gm by r, तो नई जो एस्केप स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2g8m by 2r। तो आप देख सकते हो 4 का फैक्टर रूट के अंदर आ रहा है, तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा ve डैश, ये इक्वल हो जाएगा टाइम्स पुरानी एस्केप स्पीड। सिंपल क्वेश्चन था काफी। अगला ट्राई करो,
सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड एट एन एल्टीट्यूड आर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, फाइंड द मास ऑफ द प्लैनेट इफ इट्स रेडियस इज आर बाय फोर। हल्के फुल्के सवाल है, मेंस टाइप के। ठीक है, तो ऑर्बिटल स्पीड बताई गई है एट एन एल्टीट्यूड आर अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो ऑर्बिटल स्पीड तो हो जाएगी अंडर रूट जी एम बाय एक्स होता है, फॉर्मूला एक्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यानी कि 2r। प्लैनेट के लिए ये एस्केप स्पीड के इक्वल है, तो प्लैनेट की एस्केप स्पीड अगर मैं लिखूंगा तो वो आएगी अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ प्लैनेट m बाय r और रेडियस है उसकी r बाय 4। इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, तो यहां से आपको मिल जाएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m बाय 16, यानी कि प्लैनेट का मास जो है वो अर्थ के मास से 1/16 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ अर्थ कीपिंग द मास कांस्टेंट सो दैट नो मैटर व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इट डज नॉट एस्केप द पुल ऑफ अर्थ। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि कितनी रेडियस होनी चाहिए अर्थ की, ठीक है ना, आपको बताना है कि अर्थ की कितनी रेडियस होनी चाहिए अगर मास को आप क्या रख रहे हो, सेम रख रहे हो, ताकि इसकी सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चाहे जितनी भी स्पीड दे दें वो कभी भी इसके ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप ना कर पाए। बताओ जरा क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो यही आपको थोड़ा सा सोचना था, क्या किसी पार्टिकल की स्पीड इन्फिनिटी हो सकती है? नहीं, आप किसी भी पार्टिकल को मैक्सिमम स्पीड जो दे सकते हो थ्योरेटिकली वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो किसी भी पार्टिकल को स्पीड दे पाना पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना मैं इस प्लैनेट के लिए एस्केप स्पीड इक्वल कर दूं किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। तो ना जिंदगी में कभी कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर पाएगा और ना कभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर पाएगा। तो आपको अर्थ की एस्केप स्पीड इक्वेट करनी है किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो यही सोचना था बस आपको, सिंपली मैं क्या लिख दूंगा कि एस्केप स्पीड जो कि क्या हो जाती है अंडर रूट 2gm बाय r, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो यहां से आप रेडियस कैलकुलेट करोगे जो आ जाएगी कितनी, 2 × 6.6 × 10⁻¹⁻ इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻²⁴ kg बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आपको मिलेगी रेडियस। इसे सॉल्व करते हैं तो लगभग ये आता है आपके पास 9 mm, ठीक है ना। तो अगर आप अर्थ की रेडियस को 9 mm कर देते हो, बहुत छोटी सी, तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी सरफेस के ऊपर से प्रोजेक्ट करने पर इसके ग्रेविटेशनल पुल को नहीं पार कर सकते। समझ आया? तो यहां बस आपको ध्यान जिस चीज पे देना था वो यही था कि हमें एस्केप स्पीड किसके इक्वल करनी थी, स्पीड ऑफ लाइट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन दी गई है किसी ऑब्जेक्ट एम की, आपको बताना है कि उसकी एस्केप स्पीड क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल आपको यूज करना है वो ये है कि टोटल एनर्जी उस पार्टिकल की आपको क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो पार्टिकल एस्केप कर जाएगा, तो बताओ एस्केप स्पीड क्या आएगी। पहला पार्ट तो काफी सिंपल है, तो कोई प्लैनेट है, आर रेडियस है, मास जो है वो 2m है और इसकी सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो एस्केप स्पीड कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला हमें पता ही है अंडर रूट 2gm की जगह बस मैं क्या रख दूंगा 2m बाय r, यानी ये हमें मिल गया 2√gm बाय r। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बताओ, बी पार्ट क्या आंसर आएगा। बी पार्ट में रेडियस r, मास m और सरफेस से r बाय 4 दूरी पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, क्या होगी एस्केप स्पीड। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैं बस टोटल एनर्जी को लिख के क्या कर दूंगा, जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम बाय सेंटर से दूरी कितनी हो गई, r प्लस r बाय 4 यानी कि 5 r बाय, इसे हमें कर देना है किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो यहां से आपको वीई मिल जाएगा
कितना आ गया हमारे पास ये, तो इसके स्पीड आएगी अंडर रूट 8 gm बाय 5 आवर। और ट्राई करो, सी पार्ट दिया हुआ है, इस बार दो प्लैनेट्स हैं एक ही सिचुएशन में और आपको एस्केप स्पीड बतानी है, बताओ जरा क्या आएगा। तो ये आपका प्लैनेट है मास m का, रेडियस 2r, और यहां दूरी पे एक प्लैनेट रखा हुआ है रेडियस r, और मास इसका भी ले लो m, ठीक है ना, और सेंटर के बीच की जो दूरी है वो है 5r, और इनकी लाइन जॉइनिंग के ऊपर ही एक पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है मास स्मॉल m का। तो इसकी एस्केप स्पीड आपको बतानी है, बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, टोटल एनर्जी लिखनी है बस, काइनेटिक एनर्जी वही हाफ एम वी स्क्वायर, इस प्लेनेट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल m बाय सेपरेशन उनके बीच का कितना है 2r, क्योंकि इसकी सरफेस पे, इस प्लेनेट की वजह से माइनस जी एम एम बाय इसके सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3r, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 5r है और ये है 2r, तो ये बचा कितना 3r, इसे आपको इक्वल कर देना है किसके, जीरो के, बताओ क्या आएगा। आ जाएगा अंडर रूट 5/3 जीएम बाय आर। तो टोटल हम क्या कर, तो सी पार्ट का आंसर आ गया अंडर रूट 5 gm/3r। एक और सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां पे भी दो प्लैनेट्स हैं और बीच में एक मास स्मॉल m रखा हुआ है, आपको बतानी है उसकी एस्केप स्पीड क्या होगी। ट्राई करो सभी लोग डी पार्ट, ठीक है, दूसरे वाले प्लैनेट का मास भी कैपिटल m ले लेंगे, ठीक है। तो दो प्लैनेट्स हैं जिनके बीच की सेपरेशन कितनी है 6r है, और एक पार्टिकल को रख दिया गया है उनकी लाइन जॉइनिंग पे छोटे प्लैनेट से 2r दूरी पे, आपको उसकी एस्केप स्पीड बतानी है, छोटे प्लैनेट का मास भी कैपिटल है, बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, वो जाएगी हाफ एम वीई स्क्वायर, हमने अगर इसे यहां पे एस्केप स्पीड दी है वीई, पोटेंशियल एनर्जी इस प्लैनेट की वजह से आ जाएगी माइनस जी एम एम बाय सेपरेशन कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो कि इसके सेंटर से दूरी कितनी है 3r है, तो इसके सेंटर से भी दूरी कितनी होगी 3r ही होगी, ठीक है ना, और इस प्लैनेट के लिए माइनस जी एम एम बाय इसके सेंटर से भी दूरी कितनी है 3r, तो ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी, और इसे इक्वल कर देंगे जीरो के, यहां से मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये इक्वल हो जाना चाहिए 2 gm बाय 3r, या एस्केप स्पीड हमें कितनी मिल जाएगी, एस्केप स्पीड आपको मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 gm बाय 3r।